अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर लर्नर्स। आज हम सब करेंगे क्लास सेवन मैथ्स एक्सरसाइज 11.1। ये चैप्टर 11 कन्वर्शन ऑफ रेशनल नंबर्स टू डेसिमल्स इससे रिलेटेड है। तो मतलब क्या है, यह जो रेशनल नंबर्स दी जाएगी ना, इनको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना, डेसिमल्स में, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो वन नंबर कितने हैं, कितने सारे क्वेश्चन है, यहाँ फ्रैक्शंस में दी जाएगी ना, इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना। तो कैसे करते हैं, 1/8 जो है ना, यहाँ एक फ्रैक्शन है 1/8, तो 1 को 8 से डिवाइड देना, ये माना है इसके। तो देखिए, 1 को 8 से अगर डिवाइड दिया जाए ना, तो यहाँ जो डिविडेंड है वो डिविजर से बहुत छोटा है, तो क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लाना पड़ेगी और यहाँ एक ज़ीरो दे सकते हैं डेसिमल के बदले, ठीक है। अब तो 10 हो गई और यहाँ डिविजर 8 है, तो मतलब डिविडेंड बड़ा है, तो कितने बार जाएगी, एक बार, ठीक है। 8 वन सर 8 है, 10 माइनस 8 2 है। अच्छा, फिर से और एक बार ज़ीरो लगा सकते हैं, अब 20 हुआ। तो देखिए, यहाँ 20 में 8 कितने बार है, दो बार है, तो 8 टू सर 16 है। अब देखिए, 20 माइनस 16 4 है, और एक ज़ीरो यहाँ ला सकते हैं, अब 40 हुआ, तो 8 फाइव सर 40 है, तो 0.125 है। तो इज इक्वल टू यहाँ सॉल्यूशन 0. अच्छा, इस पॉइंट को पहचानने के लिए, अंदाजा करने के लिए, समझने के लिए यहाँ एक जीरो देते हैं, लेकिन ये जो जीरो है इसकी कोई माना नहीं, वैल्यू नहीं, तो 0.125 है इसकी वैल्यू। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं, तो इन 12 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, और बाकी खुद ही ट्राई कर लेना, लेकिन यहाँ मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे एक देखिए, मान लीजिए 9 नंबर है, 9 नंबर, 9 नंबर क्या दे रखा, -23/4 है। तो आप देखिए, -23 को 4 से डिवाइड देना। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, देखिए ये जो फ्रैक्शन है, इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सिर्फ एक के सामने नेगेटिव साइन है, ठीक है। अगर दोनों में नेगेटिव साइन होता ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, लेकिन एक नेगेटिव साइन है, तो ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी ना डेसिमल में, ये नेगेटिव हो गए, तो आंसर नेगेटिव में आएगी। आप 23 को 4 से डिवाइड दे देना, 4 से 23 को डिवाइड देना, तो 4 से और 20, देखिए 23 में 4 कितने बार है, 5 बार है, पहले तो 5 बार होगी ना, 5 4 20, 23 माइनस 23 है। अब देखिए, ये जो रिमाइंडर बचा है, ये डिविजर इससे छोटा है, तो क्या करना, यहाँ एक डेसिमल पॉइंट लेना और यहाँ इसके बदले में एक जीरो दे देना। आप तो ताटे हो गए, तो 4 7 20 8 है, 30 माइनस 28 2 है, आप फिर से एक जीरो ला सकते हैं। अगर दूसरा जीरो लाना पड़े तो यहाँ भी एक जीरो फुट करना, ठीक है। तो आप 20 में तो 4 जाएगी ना, 4 5 20, तो यहाँ जो क्वेश्चन था ना, ये 5.75 है, तो 9 नंबर के आंसर -5.75, क्योंकि यहाँ निगेटिव फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3842/625, तो 625 से इसको डिवाइड देना, 625 किसको डिवाइड देना, 3842 को, 3842। अब देखिए, 3842 में 625 तो जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो देखिए, ये जो डिविजर है, ये 3 डिजिट के, तो यहाँ से 3 डिजिट ले लेना, 3844, तो इन तीनों मिला के क्या नंबर हो रही है, 384। अच्छा, ये जो 384 है, अभी भी 625 से छूटा, तो यहाँ मतलब इस 2 को भी लेना, तो इस 2 को लाने से 3842 आ रही है, तो इसमें कितने बार हो गए। तो देखिए, पहले 6 से ट्राई कर लिया, 624 ना, तो 600 से अगर 6 12 है, 6 टाइम्स होगी ना, तो 6 6 36, तो 3600 हो गए, तो यहाँ 25 भी है, ठीक है। तो 625 150, तो 3600 और 150 3750, तो ये देखिए 3842 से कम है, तो मतलब यहाँ 6 टाइम होगी, 6 टाइम्स होगी। तो देखिए, 6 5 30 0 के लिए बढ़ती, 2 6 12 + 3 15 15 5 के लिए ऊपर 1। अच्छा, 6 6 36 + 1 37 है। अब देखिए, माइनस करना, 2 - 0 2 है, 14 - 5 9 है, अच्छा 7 - 7 0 है। तो अच्छा, एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 लिखने की कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, यहाँ रिमाइंडर 92 है, तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लाना और इसके बदले में एक 0 दे देना। अब 920 हुआ, तो 625 तो जाएगा ना, देखिए दोबारा जाए तो 2 6 12 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार तो जाएगी, तो 1 × 625 625 ही होगी, तो 10 - 5 5 है,
इलेवन माइनस टू, यहाँ वन बचा ना, तो इलेवन माइनस टू नाइन है, और यहाँ क्या बचा, एट बचा, एट माइनस सिक्स टू है, टू नाइन्टी फाइव। अब देखिए और एक जीरो ला सकते हैं, अच्छा आप टू नाइन फाइव जीरो है, तो इसमें देखिए सिक्स कितने बार है, अगर फाइव टाइम्स है तो फाइव सिक्स हज़ार थर्टी ज़्यादा हो जाएगी, तो फोर टाइम्स लेना, तो फोर फाइव हज़ार ट्वेंटी, जीरो कैरी ओवर टू, टू फोर हज़ार एट प्लस टू टेन, जीरो कैरी ओवर वन, अच्छा फोर सिक्स हज़ार ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव, जीरो माइनस जीरो जीरो, फाइव माइनस जीरो फाइव है, नाइन माइनस फाइव फोर है, टू माइनस टू जीरो है, तो फोर फिफ्टी आया, तो यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं, तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड आया। अब देखिए सेवन टाइम तो जाएगी ना, क्योंकि सिक्स सिक्स दर थर्टी सिक्स हुए, ठीक है थर्टी सिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो सेवन, अब देखिए फाइव सेवन जर थर्टी फाइव, फाइव कैरी ओवर थ्री, टू सेवन जर फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन, सेवन कैरी ओवर वन, सिक्स सेवन जर फोर्टी टू प्लस वन फोर्टी थ्री, तो टेन माइनस फाइव फाइव है, नाइन माइनस सेवन टू है, अच्छा यहाँ फोर है, फोर माइनस थ्री वन है, तो वन ट्वेंटी फाइव है, तो यहाँ एक जीरो ला सकते हैं, तो ट्वेल्व फिफ्टी आया। अब देखिए टू टू सिक्स ट्वेंटी फाइव जार ट्वेल्व फिफ्टी, टू सिक्स हंड्रेड जार ट्वेल्व हंड्रेड, टू ट्वेंटी फाइव जार फिफ्टी, तो ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी है, तो मतलब यहाँ क्या होगी टू होगी, तो यहाँ वन टू फाइव जीरो है, तो देखिए रिमाइंडर जीरो है ना, तो यहाँ क्वेश्चन तो होगी सिक्स पॉइंट वन फोर सेवन टू, सिक्स पॉइंट वन फोर सेवन टू, अच्छा यहाँ तीन क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बाकी सबके सोल्यूशन दिखा दूंगा, आप खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ जो कैलकुलेशन है ना लॉन्ग डिविजन मेथड, इसको मैंने नहीं दिखाऊंगा, आप खुद ही इसको कर लेना, तो बाकी सब का सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए, ठीक है, और इनकी जो लॉन्ग डिविजन प्रोसेस है ना आप खुद कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रिपीटिंग डेसिमल्स इन द शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ देखिए ये सब रिपीटिंग है, रिपीटिंग मतलब क्या है, कभी कभी रेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना वो खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, अनलिमिटेड सामने जाते रहते हैं, मतलब डिवाइड करके ना डिजिट्स आते ही रहते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, समाप्त नहीं होते, और रिपीटिंग मतलब क्या है, किसी खास डिजिट या डिजिट्स क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ देखिए जीरो पॉइंट थ्री थ्री थ्री, तो इसकी जो फ्रैक्शन है ना ये वन बाई थ्री है, तो मतलब वन को अगर थ्री से डिवाइड किया जाए तो पॉइंट थ्री 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 ऐसे आते ही रहेंगे, तो देखिए ऐसा ही डॉट 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 देने से भी होगे, तो देखिए वन पॉइंट थ्री वन बाई थ्री मतलब जीरो पॉइंट थ्री 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 ऐसे ही आते ही रहेंगे ना, तो देखिए इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना, यहाँ देखिए इन द शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते, तो इज इक्वल टू, यहाँ जिस डिजिट रिपीट हो रही है इस पर एक बार लगाने से हो जाएगी, तो जीरो पॉइंट यहाँ जो डिजिट रिपीट हो रही है सिर्फ थ्री है, तो थ्री एक थ्री लिखना और ऊपर एक छोटा सा बार लगा देना, इसको बार कहते हैं, ऐसे साइन को बार कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग, तो कौन सी डिजिट पर, तीन पर, थ्री पर, तो इसका मतलब थ्री जो डिजिट है ना ये बार बार रिपीट होकर आते ही रहेगी, ठीक है। तो ये है शॉर्ट फॉर्म। भाई एक चीज़ देखिए, ये चीज़ शायद आपको क्लासरूम में सिखाया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कि कोई स्टूडेंट अगर इस क्लास में स्कूल में नहीं गया तो इनकी क्या होगी, इन्हें तो ये जो डिस्कशन है ना क्लासरूम में ये तो मिस कर देगा, तो इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ इन डिटेल्स, ताकि अगर ऐसे कोई स्टूडेंट जिन्होंने क्लासरूम में ये चीज़ मिस कर दिया तो यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आकर अच्छे से समझ ले सके, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही यहाँ देखिए थ्री थ्री बार बार आ रही है, तो इसका मतलब है जीरो पॉइंट थ्री बार, तो हो गया भाई शॉर्ट फॉर्म। इसकी केस में देखिए यहाँ सिर्फ सिक्स रिपीट हो रही है लेकिन थ्री नहीं, तो जो ना डिजिट रिपीट हो रही है इस पर बार लगाना, तो जीरो पॉइंट थ्री तो रिपीट नहीं हो रही है, थ्री एक बार ही आया, तो थ्री सिक्स, तो इस सिक्स पर बार लगाना, अगर थ्री पर बार लग जाए गलती से तो ऐसा होगा थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स के ग्रुप आते ही रहेंगे। नेक्स्ट तीन नंबर देखिए थ्री टू थ्री टू थ्री टू, थ्री के बाद टू, फिर से थ्री के बाद टू, फिर से थ्री के बाद टू, तो इसका मतलब क्या है, जीरो पॉइंट थ्री टू, दोनों ही डिजिट पर बार लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिजिट अपने अपने जगह में रिपीट हो रहे हैं, थ्री थ्री पहले इसके बाद टू, फिर से थ्री इसके बाद टू, फिर से थ्री इसके बाद टू, तो दोनों ही दोनों पर बार लगाने चाहिए। नेक्स्ट फोन नंबर देखिए पॉइंट फाइव थ्री फोर थ्री फोर, तो देखिए यहाँ फाइव तो एक है और नहीं है, अच्छा थ्री फोर फिर से थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर, तो यहाँ फाइव रिपीट नहीं हो रही है लेकिन थ्री और फोर रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो पॉइंट फाइव तो रिपीट नहीं हो रही है तो फाइव पर नहीं बार लगाना, तो थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर और थ्री फोर, तो थ्री फोर पर बार लगाना, बस हो गया शॉर्ट फॉर।
फाइव नंबर था कि 1.456, 456, फिर से 456, फिर से 456, तो पहले 4, बाद में 5, इसके बाद 6 है, तो फिर से देखिए रिपीट हो रही है 456, फिर से 456, तो इज इक्वल टू देखिए 1.456, तीनों पर बार लगना हो गए। अच्छा सिक्स नंबर देखिए 24.08, तो देखिए यहाँ 0 तो रिपीट नहीं हो रही है, तो इसके बाद देखते हैं 826, इसके बाद देखिए फिर से 826, 826, तो 826, 826, 826 रिपीट हो रही है लेकिन 0 रिपीट नहीं हो रही, तो 24.0 तो आएंगे ना, और 826, 826 है, तो आप देखिए रिपीट तो 826 हो रही है, तो 826 पर एक साथ बार लगा देना तो हो गया। तो भाई 2 नंबर फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करेक्ट दी शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग रिपीटिंग डेसिमल्स, तो यहाँ इनकरेक्टली दिए गए हैं तो हमें करेक्ट करना। वन नंबर देखिए 2.333, तो यहाँ 2.33 दो तीन पर बार लगा हुआ, तो देखिए यहाँ दो पर बार लगाने से कोई मतलब नहीं, देखिए ये तो सही हो जाती है, मतलब क्या है दोनों तीन पर अगर बार लगाया जाए तो वही तीन तीन रिपीट होंगे, वही तीन तीन रिपीट होगी, लेकिन करेक्ट प्रोसेस ये नहीं है। करेक्ट प्रोसेस यह जबकि तीन दोनों दो तीन पर बार लगाया गया, तो एक्चुअल में एक तीन पर बार लगाने से वही तीन 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 रिपीट होगी, तो ये है 2.3 बार। दो नंबर देखिए 0.23444, यहाँ देखिए 2, 3 रिपीट नहीं हो रही लेकिन 4 रिपीट हो रही है 4, और यहाँ दिया गया 2, 3, 4, 4 सब में, तो इनकरेक्ट है, तो ये होगी 0. देखिए 2, 3 तो रिपीट नहीं हो रही है, 2, 3 जैसा है वैसा, अच्छा 4 रिपीट हो रही है, तो 4 पर सिर्फ 4 पर बार लगाना। तीन नंबर देखिए 12.454545, तो यहाँ 12.454 एक साथ लिखा गया, एक साथ 454, तो देखिए यहाँ 454 फिर से आ रही है, तो ये करेक्ट नहीं, ये देखिए सिर्फ 45 पर 12 हो गई, तो 12.45 12। अब फोन नंबर देखिए 0.454545, तो यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो ये इनकरेक्ट है, सो कैसे हो गई 0.45 12। ठीक है, फाइव नंबर देखिए 5.867867, तो देखिए 867867867, तो यहाँ क्या दिया 5. सिर्फ 86 पर बार दिया, सिर्फ 86 पर, तो देखिए यहाँ 7 तो मिसिंग है, 7 पर भी बार लगाना चाहिए क्योंकि 7 भी अपनी ही जगह में रिपीट हो रही है, तो ये ऐसा होगी 5.867 बार, तीनों पर बार लगना चाहिए, तो तीन नंबर भी फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ मैंने पेस्ट करके दिया, Which of the following rational numbers can be represented as terminating and which as non-terminating decimals? Give the answer without actually dividing. तो यहाँ कहा गया है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ कुछ तो टर्मिनेटिंग हो गया और कुछ तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, तो एक्चुअली लॉन्ग डिविजन प्रोसेस ना करके, डिविजन ना करके आपको पता लगाना, तो ये कैसे लगाते हैं देखिए, एक चीज़ मान लीजिए यहाँ क्या है 13/8 है, आप 8 को फैक्टराइज करें तो कैसे होगी 2 4 8 2 2 4, तो मतलब 8 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2, तो इसको आप 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 3 बड़ा है तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो यहाँ ये क्या है डिनोमिनेटर है, तो किसी रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर अगर 2 के इंडेक्स है, 2 का किसी भी एक्सपोनेंट है, इसको इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है, यहाँ जो 3 है एक्सपोनेंट है, या जो 2 क्यूब है ये एक्सपोनेंट है या फिर इंडेक्स फॉर्म है, तो 2 के इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट कह सकते हैं ऐसा है, या फिर सिर्फ 2 नहीं, या तो अगर 5 की एक्सपोनेंट है, 5 टू द पावर किसी भी नंबर है, 5 टू द पावर, देखिए यहाँ मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलत समझते हैं कि 2 के इंडेक्स मतलब 2 के मल्टीपल्स और 5 के इंडेक्स मतलब 5 के मल्टीपल्स, ऐसा ही नहीं, मल्टीपल्स नहीं, 5 के इंडेक्स होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो यहाँ 5 के पावर 1 है तो मतलब 5 है, ठीक है, 2 है मतलब 5 स्क्वायर 25 वैल्यू है, 3 है 5 क्यूब तो 5 क्यूब इसके 125, ऐसा है 5 के इंडेक्स है, तो इसकी जगह में देखिए एन लिख सकते हैं, एन तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होते, तो 5 टू द पावर एन है, यहाँ तो 2 क्यूब मतलब यहाँ एन अगर लिखा जाए पावर में तो मतलब नेचुरल नंबर होगी, तो मतलब क्या है 5 की इंडेक्स या तो 2 की इंडेक्स, यहाँ 2 की इंडेक्स आ रही है 3 क्यूब की, ये 8 है डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर 5 की इंडेक्स है या फिर 2 के इंडेक्स मतलब 2 टू द पावर n, तो क्या है डिनोमिनेटर अगर 2 के इंडेक्स है या फिर 5 के इंडेक्स है, या फिर सिर्फ इन दोनों नहीं, या फिर दोनों ऐसा है 2 × 5, अच्छा इन दोनों एक साथ अगर ऐसा है
एक साथ अगर ऐसा है तो टू टू द पावर इसके साथ एन लिखिए और इसके केस में एम लिख दीजिए, क्योंकि दोनों पावर कभी कभी बराबर नहीं होती है, इसलिए अलग अलग। तो एम और एन दोनों नेचुरल नंबर्स है, यहाँ एम भी नेचुरल नंबर मान लेना। तो मतलब क्या है, टू टू द पावर एन या फिर फाइव टू द पावर एन या फिर टू टू द पावर एन इंटू फाइव टू द पावर एम, ये जो तीन फॉर्म है अगर डिनोमिनेटर इन तीनों फॉर्म्स में है तो सीधा सीधे मतलब ये है कि भाई ये जो डिनोमिनेटर है इसकी प्राइम फैक्टर अगर टू और फाइव है या फिर ओनली टू या फिर ओनली फाइव है, क्या है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स ओनली टू है या फिर ओनली फाइव है या फिर टू और फाइव है, क्या है डिनोमिनेटर नीचे जो नंबर है, तो जाके ये जो फ्रैक्शन होगी ना ये टर्मिनेटिंग होगी। और अगर ऐसा नहीं है, इसमें जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना अगर किसी भी एक फैक्टर टू और फाइव के अलावा आ जाए, दूसरे किसी फैक्टर आ जाए, मान लीजिए तीन या फिर पाँच या फिर सात ग्यारह सत्रह तेईस ऐसा कोई प्राइम नंबर आ जाए फैक्टर्स में, तो भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग नहीं होगी। टर्मिनेटिंग के लिए ओनली टू या फिर फाइव या फिर टू और फाइव। तो अब ये जो क्वेश्चंस है यहाँ चार नंबर में सब खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको दिखा दूंगा। तो यहाँ देखिए ऐसा ही लिखना, इसको सॉल्यूशन मान लेना। सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 देयरफॉर 13 बाई 8 इज टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा लिखे तो भी होगी, दूसरे एक ये जो लाइन है ना ये जो सेंटेंस है इसको दूसरे एक तरीका है। तो ये जो तरीका जो मैंने ऑल्टरनेटिवली देखा रहा हूँ ये आपको हाई स्टैंडर्ड मैथ्स में जाकर मिल जाएगा, मतलब क्लास नाइन में ऐसे ही सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। तो क्लास नाइन में तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होगी। तो देखिए क्लास नाइन में भी इस टाइप के प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा जानकारी क्लास सेवन में हासिल कर लीजिए ना, आगे जाकर काम आएगी। तो देखिए सिंस द डिनोमिनेटर एट इज इन द फॉर्म ऑफ टू टू द पावर एन देयरफॉर 13 बाई 8 इज टर्मिनेटिंग। तो दोनों ही मेथड से आप लिख सकते हैं, यहाँ और है ना स्टाइल में लिखे या फिर इस स्टाइल में लिखे, दोनों ही सही है। अब 4 पे 2 नंबर देखिए माइनस 7 बाई 15, तो जो 15 डिनोमिनेटर है ना इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ऐसा है देखिए यहाँ 5 जो है ना ये तो देखिए 5 टू एन की फॉर्म में है, लेकिन 3 जो है ना ये एक्स्ट्रा है, मतलब नीचे 2 और 5 के अलावा दूसरे किसी प्राइम फैक्टर आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिव होगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो नॉन टर्मिनेटिव होगी, तो ऐसे लिखते हैं सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर 15 कंटेन्स 3। तो यहाँ जो प्राइम फैक्टर कंटेन है ना ये डिनोमिनेटर कंटेन करती है, ठीक है, देयरफॉर माइनस 7 बाई 15 इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा नहीं 9 बाई 16 यहाँ लगे 16 टू 2 और 4 है, मतलब ये 2 के इंडेक्स में है, या फिर ऐसे ही समझ लीजिए यहाँ जो डिनोमिनेटर है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 है, मतलब सब नंबर 2 है, तो ये जो देयरफॉर 9 बाई 16 इज टर्मिनेटिंग। ऐसे ही फोन नंबर भी देखिए 7 बाई 64 64 भी 2 टू 2 और 6 है, मतलब यहाँ जो प्राइम फैक्टर है सब के सब 2 है, तो ये क्या होगी या तो ऐसे लिख सकते हैं सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज 5 इनटू 5 देयरफॉर 18 बाय 75 इज टर्मिनेटिंग। तो ऐसे ही देखिए 7 नंबर पे टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यहां मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, इंटरवल फ्रैक्शन होगी, तो आंसर के नीचे 5 है, तो ओनली डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो 5 होने से भी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है,
लेकिन क्वेश्चन नंबर वन में सब के सब टर्मिनेटिंग थे, तो अब यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग भी है बट रिपीटिंग थे। तो यहाँ देखिए 1/16/23, तो ये जो 16/23 है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, लेकिन यहाँ जो डिजिट्स आएंगे ना ये बहुत लंबी लाइन आ जाएगी, बहुत लंबी लाइन, इसके बाद रिपीट होगी, बहुत लंबी आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ये जो है अप टू दिस अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, अप्रोक्स सही लिख सकते हैं। टू नंबर की -25/24, तो यहाँ देखिए माइनस तो होगी ना, तो 1.041 और इसके बाद 1 के बाद 6 रिपीट होता जाएगी, ठीक है। थ्री नंबर की 1/13, तो 0.076923, इसके बाद फिर से 0.076923 ऐसा ही रिपीट होगी। तो ये यहाँ जितने सारे डिजिट्स है सब पर बार लग जाएगी। फोन नंबर -5/21, तो माइनस तो होगी ना, माइनस तो होगी ना, तो 0.238095 ये सब रिपीट होंगे, ठीक है। फाइव नंबर के 2/15, तो 1.3333 आते रहेगी, तो यहाँ सिर्फ 3 रिपीट होगी, तो 3 पर बार लगाना। सिक्स नंबर देखिए -4/9, वैसे ही यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 4 सिर्फ 4 रिपीट होगी पॉइंट के बाद, तो 4 पर बार लगाना। 2/34/999, तो यहाँ 2, 3, 4 वैसे ही रिपीट होती रहेगी, ठीक है, इन तीनों डिजिट्स। एट नंबर देखिए 14/99, तो 1/4 रिपीट होगी यहाँ पॉइंट के बाद। यहाँ देखिए -7/9, यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 7 रिपीट होगी, जबकि ये नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगी। 8/45, यहाँ देखिए 1 के बाद इसके बाद 7 रिपीट होगी, 1 रिपीट नहीं होगी इसलिए 7 पर बार लगा हुआ है। 11 नंबर देखिए 2/3, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 6 ही रिपीट होगी, 1/7, ये हम सबको पता है कि 0.142857, ठीक है, 142857 ये जो चेट जिससे रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर 5/-6, तो ये भी निगेटिव फ्रैक्शन है, निगेटिव होगी, तो 0.83 सिर्फ 3 रिपीट होगी। तो ऐसे ही 14 नंबर देखिए 3/11=0.27, यहाँ दोनों रिपीट होगी, दोनों डिजिट्स रिपीट होगी, ठीक है। 15 नंबर 2/-9, तो ये भी निगेटिव होगी, तो 0.2222 ऐसे ही आती रहेगी, तो सिर्फ 2 पर बार लग जाएगी क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 रिपीट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ जो चार क्वेश्चन है सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये शो करना। तो शो करना मतलब क्या है, यहाँ जो फ्रैक्शन है डिवाइड दे दीजिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो 3/7 ये -0.428571 आएगी, तो इसके बाद फिर से 428571 आएगी, तो ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे सारे डिजिट्स, तो 428571 पर बार लगाना, ठीक है। 2 नंबर 12/-21, तो ये तो नेगेटिव होगी ना, ये भी नेगेटिव देखिए, तो देखिए -0.571428, तो 571428 आएगी, ठीक है। देखिए इसको अगर चाहे तो फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 12/-21, तो इज इक्वल टू ये जो माइनस साइन है ना ये ऊपर ले लीजिए -12/21। आप देखिए -12 को देखिए 3×4 लिख सकते हैं, -3×4, और 21 को 3×7, आप 3 से 3 कट गए ना, तो ये देखिए -4/7 होगी, तो -4/7 के सेम वही रिजल्ट होगी, ठीक है, सेम रिजल्ट होगी, ठीक है। वैसे ही इसके केस में देखिए 36/22, यहाँ आप कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं, तो ऐसा ही इसके केस में कर लीजिए -4/7, इसके केस में क्या होगी देखिए, तो 9/55 होगी, तो ये बराबर होगी 9/55 इज इक्वल टू 0.163, तो यहाँ सिर्फ 63 रिपीट होगी, 160 ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसके केस में भी आप कैंसिल करके छूटा कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हटा के देख देता हूँ, इज इक्वल टू -0.3472, ठीक है, तो इसको छूटा कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड दिया जाए तो -25 होगी ना डिवाइडेड बाई 144.72, तो देखिए -25/72 की रिजल्ट यही है, इसको और फर्दर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बाय व्हिच लीस्ट नंबर शुड यू मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल नंबर सो दैट इट प्रोड्यूसेस ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए चार क्वेश्चंस है, फ्रैक्शंस है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस फ्रैक्शन को। तो मल्टीप्लाई करना मतलब सिर्फ न्यूमरेटर को, ऊपर के जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने से हो जाएगी, तो कैसे प्रोसेस, तो देखिए 1/14 है ना, तो इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दीजिए, तो 2×7 होगी। तो यहाँ देखिए टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना, 2 और 5 दोनों एक साथ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 7 तो एक्स्ट्रा है, ये तो 2 और 5 के अलावा है ना, तो मतलब क्या है, अगर देखिए यहाँ इसको इस फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7×1/14, तो देखिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी, क्योंकि देखिए 7×2 जार
14, तो बचा 1/2 इक्वल टू 0.5, टाइम हीटिंग हो गया, मतलब 7, या अगर सेकंड से मल्टीप्लाई किया जाए ना तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो गई, तो यहाँ 2 में आ जाएगी ना प्राइम फैक्टर, तो ऑब्वियसली ये डेसिमल हो जाएगी, ठीक है। तो सेंस द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर कॉन्टेंस एज 7, हैज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 7, तो वैसे ही 2 नंबर देखिए यहाँ 3 × 5 आया डिनोमिनेटर, तो सेंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर कॉन्टेंस ए 3, हैंस द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 3, तो 3 एक्स्ट्रा है ना, तो और 3 से एंट्री करने से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे सिर्फ 5 हो गए, तो 5 आने से तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी ना। आपने नंबर देखिए 25/22, तो यहाँ 2 × 11 तो 11 ये जो हमारे हिसाब में नहीं है ना, वो 2/5 के अलावा है, तो 11 से इंटू करने से 11 कट जाएगी और ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर कंटेंस एन 11, हैंस द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 11। फोर नंबर देखिए 21/18, तो देखिए 2 × 9 है, तो 9 तो हमारे हिसाब से नहीं है, अगर 9 को फिर से तोड़ा जाए तो 3 × 3 होगी, तो वही तो 3 दोबारा आ रही है ना, तो ये तो हमारे हिसाब में नहीं है, 4/5 में तो नहीं है, तो 3 × 9 से मतलब 9 से इसको इंटू करना, तो यहाँ 9 कट जाएगी, ठीक है, तो द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 3। तो आज के वीडियो इतने तक, ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।